हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का फिर से एक बार मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं अपनी ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ शाम के 7:30 बजे से। तो अभी 7:30 बज चुका है और आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा कि मैं ब्लॉग बनाऊँ या ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। तो फिर मुझे लगा कि यार कुछ तो चाहिए मुझे ब्लॉग में डालने के लिए। तो मुझे कल, अगर मैं अभी वीडियो नहीं बनाती तो मैं कल क्या डालती अपने उसमें ब्लॉग में। तो इस वजह से मुझे अभी ब्लॉग बनाना पड़ा। मैं यहाँ पर देखो दरवाज़ा बंद कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से बहुत तेज़ हवा आ रही है। और तो दोस्तों, आज का दिन जो है मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, मुझे बिल्कुल ही टाइम ही नहीं मिला कि मैं ब्लॉग शूट करूँ। और अभी 7:30 बज चुका है। तो दोस्तों, आज क्या हुआ कि सुबह से मैं बिल्कुल बिजी थी, घर में काम लगा हुआ है और आज काम करने वाले पांच लोग जो है घर में काम करने वाले आए हुए थे। तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ तो उनके साथ लगे रहता है, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। और घर में काम लगा था तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला कि मैं ब्लॉग शूट करूं। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा प्रचार में चले गई थी, तो वहां से आई, उसके बाद फिर खाना वाना बनाया। खाना आज मैंने नहीं बनाया, तो वहाँ से आके फिर खुशी ने खाना बनाया था, तो खाना खाया। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी मंदिर में, जहाँ हम लोग भजन कीर्तन करते हैं उसी मंदिर में आज सुंदरकांड था। तो फिर सुंदरकांड में चले गई और वहाँ मेरे पास फ़ोन नहीं था, नहीं तो मैं वहाँ की भी कोई छोटी सी क्लिप बना के आप लोगों को दिखाती, लेकिन मेरे बच्चों के पास फ़ोन था क्योंकि ये ट्यूशन क्लास इनकी जो चलती है, तो वहाँ पर जो इनका स्कूल का वर्क है वो करना था निहारिका को। तो निहारिका फ़ोन अपना स्कूल लेके ट्यूशन क्लास लेके गई थी, तो इस वजह से मैं वहाँ से कोई वीडियो भी नहीं बना पाई। तो फिर मैंने सोचा यार अभी घर आई हूँ तो थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ क्या हो रहा घर में, और थोड़ा सा बता दूँ आज का क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। तो इस वजह से मैं अभी व्लॉग बना रही हूँ और अभी खाने की भी कोई तैयारी नहीं कर रखी है और कपड़े भी चेंज नहीं करे हैं। आज मैंने साड़ी पहनी थी मंदिर जाने के लिए स्पेशली, मैंने कहा मंदिर जाना है, सुंदरकांड है तो साड़ी सही रहती है मंदिर के लिए, पल्लू वल्लू सर में रखने के लिए, तो साड़ी पहन ली थी। तो अभी घर आ गई हूँ और इतना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा ना, मैं घर को देख के मैं इतना परेशान हो गई हूँ। अब 2 महीने मेरे कंप्लीट हो जाते हैं इस 17 तारीख को, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। और आज पूरे पेंट कर रखा है खिड़कियों में, तो सारी खिड़कियाँ खोल के रखी हैं। अब ठंड के दिन हैं तो कितना ठंडा हो रहा आप समझ सकते हैं। और अभी मैंने स्वेटर के ऊपर से भी जैकेट डाला था, वो मैंने अभी उतार दिया है। और इतनी तेज़ हवा आ रही है ना, बहुत ही तेज़, और आज होंठ भी ऐसे सूखे जा रहे हैं ठंड की वजह से। तो अभी आपको दिखाती हूँ मैं कैसे मेरे घर की हालत हो रही है। तो आप ये देख सकते हैं क्या हो रहा है घर में मेरा, पूरे आपको कपड़े ही कपड़े नजर आएंगे। कितनी बार मैंने ये कपड़ों को तह लगा के ये बैगों में मैंने मतलब रख दिए हैं कि बैग में रख दूंगी कपड़ों को तह लगा के, बड़ी बड़ी पॉलीथीनों में मैंने कपड़े तह लगा के रख दिए हैं। लेकिन जब बच्चे कपड़े ढूंढते हैं ना तो इनको मिलते नहीं है, तो ये क्या करते हैं सारे कपड़ों को निकाल के दोबारा से उनको ऐसे फेंक देते हैं। और जो भी बेड हैं वो सारे ऐसे ढक के रखे हुए हैं, तो बेड का भी पूरा सामान निकाल के बाहर रख दिया है क्योंकि ये बेड इधर। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पर सारे बेड जो हैं खाली करके यहाँ पर रखे हुए हैं, और इसके ऊपर से पूरा ये विंडो की खिड़कियाँ जो है निकाल के रखी हैं क्योंकि इसमें पॉलिश होना है। ये खिड़कियाँ बाहर के साइड की हैं तो बारिश से ये ख़राब हो जा रही है, इस वजह से निकाल रखे हैं। और पूरा आज तो पूरा हवा महल हो रखा है घर, पूरे में पेंट कर रहा है तो ये खुले ही रहेंगे, नहीं तो ये पेंट जो है वो पूरा ख़राब हो जाएगा इस तरीके से। और मंदिर की भी मेरी आजकल पूरी दशाई ख़राब हो गई है, और इस कमरे में पिंक पेंट करा रखा है, ब्राइडल पिंक है ये, किसी ने सिखाने करा रखा है अपनी पसंद का। और इधर साइड को तो ये पेंट बैठ गया है ट्रिपल कोट में, अच्छा सा इसमें फिनिशिंग आ गई है, लेकिन इधर साइड को इसमें बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आई, जबकि इसमें ट्रिपल कोट हो गया है लेकिन बिल्कुल भी फिनिशिंग इसमें नहीं आ पा रही है। तो अभी इसका कलर और डार्क करा रहे हैं इधर साइड को, तो ये वाला पोर्शन जो है इधर साइड का आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आ गई है। और इसमें पहले येलो कलर का पेंट था इधर साइड की दीवार में, तो इसमें अच्छी फिनिशिंग आ गई है। और इधर साइड को जो था
वो पर्पल डार्क पर्पल कलर था पहले, तो उसकी वजह से इसमें जो है कलर नहीं बैठ रहा है, तो इसमें अभी इसी कलर को थोड़ा डार्क करेंगे, शायद क्या पता हो सकता है बैठ जाए। और अंदर वाले रूम भी क्या दिखाऊं आपको, बस सेम ही है, पेंट तो हो गया, टीवी अभी सामने रखी हुई है, वहाँ से ऐसे नीचे रख के देख रहे हैं, पहले दीवार पर थी तो अभी नीचे रख दी है। अंदर का कमरे का हालत तो ऐसी है, ये वाले कमरे की हालत ऐसी है, और ये ड्रेसिंग पड़ा हुआ है, यहाँ भी अभी कंप्लीट नहीं हुई है अलमीरा, नहीं तो यहाँ मैं कपड़ों को सेट कर देती। इसके अंदर अभी पेंट होना है और दरवाजों में पेंट होना है, इसमें पॉलिश होगा, बहुत सारे काम हैं अभी। एक मेरा बेड यहाँ पर ऐसे ही रखा हुआ है, और सोफे भी बिल्कुल ही बेकार हो गई, सोफे की भी हालत पूरी खराब हो गई है। अब तो ऐसा लग रहा कि मैंने ये काम क्यों कराया, भगवान, खाली पेंट करा देती तो सही था। ये काम की वजह से पूरे 2 महीने हो गए, विंडो देखो कितनी खराब हो रखी है, आपको दिखाई दे रही होंगी, तो पूरे काम की वजह से ये विंडो ऐसी हो गई है। अभी इसमें सब कलर होगा तो सही हो जाएंगी, तो ये हालत हो रखी है आजकल। कोई सामान हमको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, क्या पहने क्या करें, मतलब न बच्चों की बुक्स मिल रही हैं और न ही बच्चों के कपड़े मिल पा रहे हैं ढंग से। और इस कमरे का कलर तो पूरा कंप्लीट सही हो गया है, मतलब इसमें अच्छे सी फिनिशिंग भी अच्छी आई है। और किचन में आपको दिखाती हूँ, ये देखो कितनी गंदगी मची हुई है, मैं तो पहले कितनी सफाई रहती है हमारे घर में, और कैसा हो गया अभी, पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसको सेट करने में। 2 महीने तो काम में लग चुके हैं, अब मुझे लग रहा है 1 महीना पूरा हमको यहाँ पर सेट करने में लगेगा, साफ सफाई में लगेगा। तो अभी देखो कितना गंदा हो रहा है अभी किचन, अभी देखिए आप कितना गंदा हो रहा है, और अभी मुझे पूरी यहाँ पर सफाई करनी पड़ेगी, पूरा साफ करूंगी तब जाके मैं इसमें खाना बनाऊंगी, और सब ऐसे बिखरा पड़ा है पूरा। तो 4 या 5 बार जो है, 4 बार 4 बार, कभी 3 बार कभी 4 बार काम वालों के लिए चाय बनती है, और ये किचन मैंने कम से कम 10 बार खाली कर दिया होगा, 10 बार। पहले मेरी यहाँ पर पूरी पिंक कलर की टाइल थी, आपने मेरे ब्लॉग में अगर पहले के मेरे व्यूअर्स होंगे तो उन्होंने देखा होगा, पूरी पिंक कलर की टाइल थी इसमें, वो मैंने सारी निकाल के अभी नई इसमें बड़ी वाली टाइल डाल दी है, पहले छोटी साइज की थी तो वो हटा दी, और किचन का स्लैब का जो पत्थर था वो ग्रीन कलर का था, अभी इसमें मैंने ये वाला पत्थर डाल दिया है। अभी गंदा हो रहा है, आपको क्या दिखाऊं, पूरा गंदा पड़ा है, तो उस वजह से क्लियर दिख नहीं रहा है। और चिमनी भी यहाँ से निकाल दी है, अभी सफाई उसकी भी सफाई हुई है, तो वो भी लगाना है, सफाई उसकी हो गई है, मतलब वो सर्विसिंग करवाई थी मैंने, वो हो गई है, क्योंकि इसका अभी जो यहाँ पे पेंट है ना, एक बार इसमें एक कोट और आएगा, और पहले वाला जो पेंट करा था वो दिख रहा है आपको, ऊपर से लाल लाल कलर का कुछ दिख रहा होगा, अभी पाइप भी इसका साफ करना है, तो इस वजह से भी अभी नहीं लग पाई है चिमनी, क्योंकि उनसे मैं ये पाइप भी साफ करवाऊंगी, वही लोग करेंगे। और अभी जो किचन की विंडो हमने निकाल रखा है किचन में, यहाँ से पहले यहाँ से विंडो नहीं था, ये भी मैंने अभी निकलवाया है, तो इसमें आज यहाँ पर ग्रिल में पेंट हो गया है, अभी इसमें पॉलिश होगी या पेंट जो भी करेंगे वो लोग, वो होगा। और बर्तन वाला स्टैंड अभी खाली ऐसे ही टांग के रखा है, सही से ये भी नहीं लगा रखा है अभी, और ये हालत है, अब क्या बताएं आपको। और नीचे देखो आप, पूरा ऐसे पड़ा हुआ है सारा सामान, और यहाँ पर एक अलमीरा मैंने निकाली है, तो ये भी देखो इसमें भी इतना पेंट गया है, देखो ये साफ करने में कितना टाइम लगेगा, आप समझ सकते हैं कितना इसमें टाइम लगेगा सफाई करने में। और अभी इसमें पेंट होगा अंदर साइड से पूरा, इसमें यहाँ सब पेंट होगा, तब जाके इसमें सही लगेंगी ये। और किचन में भी मैंने ये वाला कलर करा रखा है, जो मेरा बाहर वाले कमरे में है वही मैंने डार्क कलर मैंने यहाँ पर कराया हुआ है, अगर लाइट कलर कराती तो किचन बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, इसलिए मैंने बोला यहाँ भी डार्क कलर कर दो। और काना ने दीवार में बॉल मत मार, काना। दोस्तों अपने
अपने घर की हालत दिखा दी है मैंने आपको, आपको कैसा लगा घर देख के और क्या आपके मन में ख्याल आया वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी मैं करती हूँ खाने पीने की तैयारी, और पहले मुझे कपड़े चेंज करने हैं, सूट पहनूंगी तब जाके काम होगा, साड़ी में तो काम हो ही नहीं पाएगा क्योंकि बहुत ही गंदा काम है। पूरी सफाई करनी है, अभी झाड़ू लगेगा, पोछा लगेगा, उसके बाद जो है खाने की तैयारी होगी। खाना खाने तक आजकल 9:30 बज जा रहे हैं, बहुत टाइम लग जा रहा है क्योंकि पहले साफ सफाई करनी पड़ती है उसके बाद खाना बनता है, तो टाइम लगेगा ही। तो अभी रखती हूँ, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आपको मेरा घर पसंद आया या नहीं आया जो भी है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।